चीन और कश्मीर के मुद्दे पर सरकार आज शाम विपक्ष के नेताओं से अपनी बात रखेगी। इससे पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री अरुण जेटली, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि बैठक में तय हुआ कि चीन से विवाद को लेकर अपने रुख से भारत पीछे नहीं हटेगा। भारत पीछे हटने की जगह मुद्दे के समाधान पर भारत चीन से बात करेगा। एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह का रुख करते हैं। राजन, तो भारत अपना रुख वही रखने वाला है, उससे पीछे नहीं हटेगा, ये एक बड़ी जानकारी। बिल्कुल, जिस तरीके से बैठक में तय हुआ है और तमाम बड़े नेताओं और मंत्रियों ने यह तय किया है कि भारत अपने रुख से डोकलाम में पीछे नहीं हटेगा। और जब एनएसए अजीत डोभाल चीन जाएंगे 26 से 28 जुलाई तक, वहां ब्रिक्स देशों के एनएसए के सम्मेलन में, उस दौरान चीन के अधिकारियों से बातचीत होगी, द्विपक्षीय बातचीत, और उसमें एनएसए अजीत डोभाल पूरी सख्ती से भारत का रुख रखेंगे कि भारत इस समस्या का समाधान चाहता है। और भारत जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, चाहे भारत का भूटान के साथ हुआ हो या फिर 2012 में जो चीन से समझौता हुआ था, उसके तहत आगे बातचीत हो, सीमा और समस्या को सुलझाया जाए। और जिस तरीके से अजीत डोभाल इस मामले में विशेष प्रतिनिधि भी है भारत के, जो सीमा विवाद सुलझाने के लिए, तो उस चीन के प्रतिनिधि से भी इस मामले में बातचीत होगी। और विपक्षी दलों को भी आज शाम में ये बताया जाएगा कि भारत अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा, और इसलिए सभी दलों की एक राय कायम हो और भारत अपने पूरी ताकत से चीन के सामने अपना पक्ष रखे, ये तय किया गया आज की बैठक में। जी राजन, आपका इस जानकारी के लिए। तो भारत पीछे नहीं हटेगा, पीछे हटने की जगह मुद्दे के समाधान पर भारत चीन से बात करेगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।